लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लॉक के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हमारे पास नो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे पास थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हैं, जो कि है सेक्साजेसिमल, सेंटीजेसिमल एंड सर्कुलर, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एंगल है, एंगल थीटा, और इसके जो नंबर ऑफ डिग्रीज है, डिग्रीज को हम डी से डिनोट करते हैं, इसके नंबर ऑफ रेडियंस इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और इसके नंबर ऑफ ग्रेड्स जो हमारा सेंटर डेसिमल का यूनिट है इसे हम जी से डिनोट करते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमें डी, आर और जी इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसे इस्टेब्लिश करना है। तो हमें पता है कि 90 डिग्री जो होता है उसमें होता है वन राइट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब वन डिग्री में होगा 1/90 राइट एंगल्स, ठीक है। और हमें कितना फाइंड करना है, डी डिग्रीज, तो डी डिग्रीज में हो जाएगा डी बाई 90 राइट एंगल्स। और डी डिग्री क्या है, डी डिग्री है थीटा का एंगल, जो थीटा है हमारा उसका मेजरमेंट। तो थीटा जो है ये आ गया हमारे पास डी बाई 90 राइट एंगल्स। तो ये जो आया है हमारे पास थीटा इन टर्म्स ऑफ डी, ठीक है। तो ये हमारे पास थीटा आ गया, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब हमें पता है कि वन रेडियन जो होता है ये होता है हमारे पास, पाई रेडियंस जो होता है ये होता है हमारे पास टू राइट एंगल्स के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब जो वन रेडियन है हमारा ये हो जाएगा 2/पाई राइट एंगल्स के इक्वल, 2/पाई राइट एंगल्स। तो अगर हम देखें हमारा आर रेडियंस जो है ये हो जाएगा 2r/पाई राइट एंगल के इक्वल, ठीक है। और ये जो आर रेडियंस ये थीटा का मेजरमेंट है, तो जो थीटा है हमारा ये हो गया 2r/पाई राइट एंगल्स के इक्वल। तो ये थीटा आ गया हमारे आर के टर्म्स में, इसका थीटा का मेजरमेंट आ गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब हम देखते हैं कि 100 ग्रेड्स जो होता है, जो हमारे सेंटर डेसिमल की यूनिट है, ये होती है वन राइट एंगल के इक्वल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वन ग्रेड है हमारा ये हो जाएगा 1/100 राइट एंगल्स के इक्वल। तो अगर जी ग्रेड्स है, मतलब जो थीटा एंगल का मेजरमेंट, जी ग्रेड्स जो है हमारे पास ये हो जाएगा जी बाई 100 राइट एंगल्स के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब जी ग्रेड्स क्या है हमारा, थीटा, तो थीटा का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट्स, तो जी बाई 100 राइट एंगल्स के इक्वल आ गया। तो इस वे में हमने थीटा का तीनों यूनिट में मेजरमेंट ले लिया है। अब थीटा जो है वो तो सेम एंगल है, तो सेम एंगल जो होगा वो इक्वल होगा, तो इक्वेशन वन, टू और थ्री सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो उससे हमें क्या मिलेगा, जो हमारे डिग्रीज के टर्म में आया डी बाई 90, डी बाई 90 राइट एंगल्स, ये जो है ये इक्वल होना चाहिए 2r/पाई राइट एंगल्स के, ठीक है। मतलब ये तीनों यूनिट जो है तो सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू जी बाई 100 टाइम्स ऑफ राइट एंगल्स। तो ये जो राइट एंगल्स है ये इक्वेशन में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमें मिलेगा कि डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r/पाई इज इक्वल टू जी बाई 100। सो ये है हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन इन ग्रेड्स, रेडियंस और डिग्रीज के टर्म्स में। तो ये तीनों यूनिट का जो रिलेशन हमें चाहिए था ये हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे।